पूरे देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को आसानी से तिरंगा उपलब्ध कराने पोस्ट ऑफिस में भी तिरंगा रखे गए हैं। राजनांदगांव के प्रधान पोस्ट ऑफिस में तिरंगा झंडा उपलब्ध है। जिले के सभी 22 उप डाक घरों में तिरंगा झंडे भेजे गए हैं। तिरंगे झंडे का पोस्ट ऑफिस में 25 रुपये प्रति नग मूल्य रखा गया है। इसके लिए पोस्ट ऑफिस में अलग से भी काउंटर बनाए गए हैं। प्रधान डाकघर के डाकपाल महेंद्र कुमार शर्मा का कहना है कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिले के 22 उप डाक घरों में पर्याप्त मात्रा में तिरंगा झंडा की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। डाकघर में पर्याप्त मात्रा में झंडा उपलब्ध है। सर, राखी के लिए कुछ अलग से? हाँ, राखी के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। यहाँ पर एक अतिरिक्त काउंटर भी चलाया जा रहा है अभी, और साथ साथ ये आप लोग के माध्यम से मैं एक आह्वान करना चाहूँगा कि 16 तारीख के पहले पहले सब बुकिंग करवा लें 16 तारीख तक, क्योंकि उसके बाद फिर वितरण में दूसरे स्थान को प्रेषण किए जाने में देरी की संभावना है। 16 तक अगर सभी लोग राखी की बुकिंग करवा लेंगे 16 अगस्त तक, तो हमारे लिए आसान रहेगा। और दूसरी बात, इस रविवार को 18 तारीख को राखी के एक दिन पहले हमारा पूरा वितरण कार्य जारी रहेगा। बाकी के कार्य दिवस की तरह पूरे पोस्टमैन स्टाफ आएंगे, मेल शाखा के पूरे स्टाफ आएंगे। ये हमारी राखी की व्यवस्था है। और 19 तारीख को तो अवकाश दिवस है नहीं, हमारे पास कार्य दिवस है, इसलिए राखी का पूर्ण वितरण किया जाएगा। सर, शहर में राखी के लिए कुछ बॉक्स रखे गए हैं? 4 बॉक्स अलग से रखे हुए हैं। एक तो राजनांदगांव स्टेडियम पोस्ट ऑफिस है बाजार में, और एक हमारे खुद के ऑफिस के सामने और एक कचहरी के सामने। लिफाफा वाटरप्रूफ है इस बार? हाँ, लिफाफा तो वाटरप्रूफ है, वो बहुत अच्छा तो है अभी पर्याप्त। और लिफाफा अभी वो जैसे ही आते हैं और वो उसकी मांग इतनी ज़्यादा है कि वो पूरा ख़त्म हो जाता है। अच्छा। तो हमारे पास वो रुकता ही नहीं, जैसे ही आवश्यकता होती है मंगा लेते हैं और वो हाथों हाथ बिक जाते हैं। जी सर, शुभ नाम को पद बताएं। मेरा नाम महेंद्र कुमार शर्मा है और मैं यहाँ पर प्रधान डाकघर में डाकपाल के पद पर कार्यरत हूँ।